दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 13,000 पार कर गई है, 400 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब इस बीच बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में जितने टेस्ट की जरूरत है उतने हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया कि भारत को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए। कोरोना से जुड़े इस तरह के कुछ जरूरी मुद्दों पर इंडिया टुडे के कार्यक्रम में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से बात की है। पहले भारत की हालत समझ लीजिए। ICMR के मुताबिक भारत 10 लाख लोगों पर 203 टेस्ट कर रहा है, 10 लाख लोगों पर 8 पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि देश में टेस्टिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हो रही है। ICMR ने बताया कि जापान में 11.7, इटली में 6.7, अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में 3.4 लोगों का टेस्ट होने पर एक पॉजिटिव केस मिलता है। लेकिन इस मामले में भारत की जो स्थिति है वो काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ हर 24 टेस्ट के बाद एक संक्रमित मिल रहा है। भारत में जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक कुछ राज्य ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में टेस्ट ना के बराबर हो रहा है। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में राजदीप सरदेसाई के सवालों और उस पर डॉक्टर एक्सपर्ट्स के जो जवाब हैं वो हम आपको आगे बता रहे हैं। दिल्ली में 10 लाख लोगों पर 897 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि बंगाल में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 35 टेस्ट हो रहे हैं। भारत में टेस्टिंग के मामले में काफी ज्यादा अंतर है, आप इसे किस रूप में देख सकते हैं? ये सवाल था राजदीप सरदेसाई का। दिल्ली सरकार की ओर से COVID-19 पर बनाए गए पैनल में शामिल डॉक्टर SK सरीन बताते हैं कि लोगों को समझना होगा कि टेस्ट क्या होता है। ये ब्लड टेस्ट नहीं है। मान लीजिए कि किसी भी एरिया में, चाहे वो हॉटस्पॉट हो या कोई और क्षेत्र हो, अगर आप टेस्ट के लिए टीम भेजते हैं तो लोग डर जाते हैं, टेस्ट के लिए बाहर नहीं आते। इस तरह के टेस्ट के लिए आपको मुंह या नाक से सैंपल कलेक्ट करने होते हैं। अगर आपके पास 5 या उससे ज्यादा लोगों की टीम है तो उस एरिया में वो एक दिन में 50 से 100 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात जहां तक ब्लड टेस्ट की है तो आप हजारों ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट के लिए लोगों की भागीदारी की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है। बातें चाहे दिल्ली की हो या अन्य राज्यों की, मैं समझता हूँ कि RT-PCR टेस्ट के लिए लाभ है, लेकिन इन टेस्ट की लिमिटेशन है। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि ब्लड टेस्ट। ये यस नो टेस्ट है। भारत में जब 10,000 मामले सामने आए तो हमने 2,70,000 से ज्यादा टेस्ट किए, वहीं अमेरिका ने 1,40,000 के आसपास टेस्ट किए। लेकिन अगर 10 लाख लोगों पर टेस्ट की बात करें तो इटली, साउथ कोरिया, UK जैसे देश हमसे बहुत आगे दिखते हैं। हमें किस तरह के आंकड़े पर भरोसा करना चाहिए, ये सवाल था। डॉक्टर तन्मय महापात्रा का कहना है कि 10 लाख लोगों पर कितने टेस्ट हो रहे हैं सिर्फ ये देखना सही नहीं होगा। दूसरी बात ये भी है कि टेस्ट एक तरह का नहीं है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई किए जाने की जरूरत है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि महामारी कितनी बड़ी है। वहीं आपको ये भी देखना होगा कि सिस्टम की क्षमता कितनी है, वो पॉजिटिव लोगों के साथ कैसे डील कर रहा है। अगर नंबर एक सर्टन लेवल पर पहुंचता है, जैसे कि 10,000, तो हमें देखना होगा कि उस समय तक कितने टेस्ट हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया पर्याप्त टेस्ट कर रहा है। हमें सही समय पर सही व्यक्ति का टेस्ट करने की जरूरत है ताकि संक्रमण रुके। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। क्या हम सही समय पर सही व्यक्ति का टेस्ट कर रहे हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान वो 4 राज्य हैं जहां कोरोना की टेस्टिंग ज्यादा हुई है। वहीं बंगाल, बिहार में टेस्ट कम हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बताया था कि वो इसलिए टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास किट नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम के प्रेसिडेंट डॉक्टर अर्जुन दास गुप्ता का कहना है कि वो इसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करनी है। हमें मेडिकल से जुड़े डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस सबका टेस्ट करना होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इसलिए भी कि वो कोरोना के कैरियर हो सकते हैं। अगर हम अन्य देशों की बात करें जिन्होंने कोरोना को हराया है, तो वो इसलिए कि क्यों उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं, काफी टेस्ट किए हैं। वियतनाम बंगाल जितना बड़ा देश है जिसमें 1,75,000 टेस्ट किए हैं। हमें इन देशों से सीख लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने चाहिए। क्वालिटी टेस्टिंग या क्वांटिटी टेस्टिंग, इंडिया को किस टेस्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है? डॉक्टर SK सरीन का कहना है कि हॉटस्पॉट एरिया में हमें जाकर टेस्ट करने होंगे। उन लोगों के टेस्ट किए जाने की जरूरत है जो किसी ना किसी तरह से कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, लेकिन हम पूरी आबादी का टेस्ट नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है।
हाँ, कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट किए जाने की जरूरत है जिससे महामारी को रोका जाए। बाकी एंटीबॉडी टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का किया जा सकता है, ये सस्ता और आसान है। उनका कहना है कि प्राइवेट लैब को सैंपल लेने की इजाजत मिलनी चाहिए और COVID-19 का टेस्ट हॉस्पिटल के बाहर भी होना चाहिए। क्या हमें अगले कुछ दिनों में सिर्फ हॉटस्पॉट पर टेस्टिंग करनी चाहिए? उन जिलों को छोड़ देना चाहिए जहां कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया हो। टेस्टिंग का फोकस कहां होना चाहिए? डॉक्टर तन्मय महापात्रा का कहना है कि सिर्फ हॉटस्पॉट की टेस्टिंग करना ब्लंडर होगा। आज के सैटेलाइट एरिया कल के हॉटस्पॉट बन सकते हैं, इसलिए हॉटस्पॉट के अलावा उन एरिया में भी टेस्ट किए जाने चाहिए जहाँ से मामले सामने नहीं आए हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।